और देखिए बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर श्रीनगर के लाल चौक में बड़ा हमला हुआ है, जो बताया जा रहा है ग्रेनेड हमला ये बताया जा रहा है। सीआरपीएफ की टीम को टारगेट करके हमला किया गया, अब ये जांच में बात सामने आ रही है। संडे मार्केट में ग्रेनेड धमाका हुआ, 11 लोग घायल हुए हैं। संडे मार्केट में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। धमाके के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। श्रीनगर से महराज अहमद हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। महराज, अब क्या ये कंफर्म हो रहा है कि हमला था, ग्रेनेड से किया गया हमला? बिल्कुल कोरोना बता दे, जैसा कि ऑफिशियल ये अधिकारियों का कहना है कि ये एक ग्रेनेड हमला था, और यहाँ से क्योंकि सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए थे। बता दे आपको कि जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे एक सीआरपीएफ का बंकर रहता है। अच्छा। और इसी सीआरपीएफ बंकर को जो है यहाँ पे कहा जा सकता है कि निशाना बनाते हुए ये ग्रेनेड थ्रो किया गया था, जो कि यहाँ से करीब इस चिनार के पेड़ के पास जो है फट गया। और बता दें आपको कि वहाँ पर क्योंकि आज संडे मार्केट था तो भीड़ काफ़ी थी, उसके बाद से जो इस ग्रेनेड हमले में करीब अभी तक जो है 11 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। ये सीआरपीएफ व्हीकल रहता है जहाँ पे कहा जा सकता है कि ये मेन टारगेट बताया जा रहा है था इस ग्रेनेड हमले का। और जैसा कि अधिकारियों का कहना है ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन है, क्योंकि कल इसी श्रीनगर में कहा जा सकता है कि एक लश्कर ए तैयबा के बड़े मिलिटेंट को मार गिराया गया है मुठभेड़ में। और कहा जा सकता है कि जैसा अधिकारियों का कहना है कि एक्ट ऑफ डेस्परेशन हो सकता है, और अपनी उपस्थिति देने के लिए कहा जा सकता है कि ये जो है ये हमला किया गया है। और निस्संदेह बता दें आपको कि ये टारगेट को मिस करके पड़ोस के एक बेड पे जो है वहाँ पे एक चिनार से लग के जो है फट गया है, जिसके बाद कहा जा सकता है इसमें जो लोग शॉपिंग करने आए थे, क्योंकि संडे मार्केट जो है ये प्रसिद्ध संडे के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो इसमें अभी तक 11 लोगों की जो है घायल होने की पुष्टि हुई है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी यानी महाराज, ये जो जानकारी एक बार फिर से दर्शकों के साथ हम सामने रख दें कि ये बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की जो टीम है उसको निशाना बनाया और ग्रेनेड से हमला किया गया, और इस हमले में 11 लोग घायल हैं संडे मार्केट। यानी महाराज ये बात साफ है कि आतंकवादी, क्योंकि आप बता रहे हैं एक्ट ऑफ डिस्प्रेशन की जो बात है वो सामने आ रही है, क्योंकि अभी जिस तरह से सेना की कार्रवाई में आतंकवादियों को ढेर किया गया, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे आतंकी। आपके पास आऊंगा, लेकिन इन सबके बीच जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आ गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार संडे मार्केट में हमला परेशान करने वाला है, सुरक्षा तंत्र को ऐसी घटनाएं रोकनी होंगी, लोगों में डर का माहौल नहीं होना चाहिए। और महराज इस वक्त हमारे साथ जुड़े, महराज वही बात जो देखिए उमर अब्दुल्ला की तरफ से कही गई, क्योंकि जिस तरह से संडे मार्केट को टारगेट किया गया, यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, नुकसान और बड़ा हो सकता था। बिल्कुल बता दें आपको, कोरोना ये इस संडे मार्केट में, अगर हम बता दें कि 2019 के बाद से यानी 5 साल के बाद ऐसा ग्रेनेड हमला देखा गया है। निसंदेह कहीं ना कहीं उपस्थिति को भी दर्शाता है, इन्हें मिलिटेंट्स जो है डेस्परेट है अपनी उपस्थिति देने के लिए। वहीं पे दूसरी जो बड़ी बात सामने आ रही है, जो ऐसा कि अधिकारियों का भी कहना है ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन है। इन्हें कल उनके एक बड़े कमांडर को श्रीनगर के खानियार में जो है लश्कर तैयबा का कमांडर, जो कि पाकिस्तानी फॉरन टेररिस्ट बताया जा रहा है उस्मान, उसके मारे जाने के बाद एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं यही वो है, यही इस बिल्कुल इस बंकर के पास जो चिनार है, ये जो है टारगेट मिस करके जो है इस चिनार पर ग्रेनेड लग गया है, और उसके बाद वहां पे जो नीचे रेडी लगाने वाला है, यानी कहा जा सकता है कि वहां पे जो लोग थे वो इस हमले में घायल हुए हैं। कहीं ना कहीं ये जो है, अगर बता दें आपको कि ये बड़ा हो सकता था अगर हम डायरेक्ट टारगेट। अच्छा, एक बात कंफर्म करिए महाराज, जो घायल हुए हैं जिनके बारे में जानकारी मिल रही है, 11 लोगों के जो घायल होने की खबर मिल रही है, क्या वो सभी आम लोग थे जो यहां पर मौजूद थे? बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना वो सब आम लोग बताए जा रहे हैं, सुरक्षा बलों में उनमें से कोई भी शामिल नहीं है। हालांकि टारगेट मिस हुआ है, क्योंकि जैसा कि अधिकारियों कहना है कि सीआरपीएफ बंकर टारगेट था, जो कि मिस होके पास वाले चिनार पे जो है ग्रेनेड लगा है, और उसकी वजह से, उसके फटने की वजह से 11 लोग इस हमले में घायल हुए हैं, जिनको तदनुसार कहा जा सकता है हॉस्पिटल पहुँचाया गया है और अभी भी उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका महाराज इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब इस पूरे मामले में लगातार जांच जारी है, और अभी तक की जांच के बाद ये क्लियर हो गया है कि आतंकवादियों की तरफ से सीआरपीएफ की टीम को टारगेट पर लिया गया, ग्रेनेड हमला किया गया, 11 लोग इसमें घायल हुए हैं।